आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत में खाने के तेल के दाम में पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। हालांकि इस बीच एक नया डेवलपमेंट सामने आया है। इससे एक बार फिर भारत में खाने के तेल और खास रिफाइंड ऑयल के दाम में तेजी देखने को मिल सकती है। इससे आम लोगों को बड़ा झटका भी लग सकता है जो पहले से महंगाई से जूझ रहे हैं। देश में पेट्रोल, डीजल, दूध, CNG और PNG के दाम में हाल में बढ़ोतरी के बीच एडिबल ऑयल के महंगा होने से लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया में पैदा हुए पाम ऑयल संकट की वजह से भारत में खाने के तेल में तेजी देखने को मिल सकती है। ये काफी अलग तरह का संकट है जिसमें दुनिया में पाम ऑयल का सबसे ज्यादा उत्पादन और एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शुमार इंडोनेशिया में ही पाम ऑयल की किल्लत हो गई है। ये किल्लत इतनी बड़ी है कि इंडोनेशिया की सरकार को प्राइस कंट्रोल करने के लिए कई तरह के कदम उठाने पड़ सकते हैं। इनमें प्राइस कंट्रोल और एक्सपोर्ट से जुड़े कुछ कदम शामिल हैं। इंडोनेशिया में एक लीटर ब्रांड कुकिंग ऑयल की कीमत मार्च 2021 में 14,000 इंडोनेशियाई रुपए था। ये मार्च 2022 में बढ़कर 22,000 इंडोनेशियाई रुपए हो गई। इस तरह एक साल में देश में खाने के तेल में 57% का इजाफा देखने को मिला है। 1 फरवरी को इंडोनेशिया की सरकार ने खुदरा कीमतों के लिए एक अधिकतम सीमा भी तय की थी। वहीं घरेलू स्तर पर प्राइस कंट्रोल के साथ सरकार ने एक्सपोर्टर्स के लिए भी नियम कड़े किए हैं। सरकार ने एक्सपोर्टर्स के लिए प्लांट शिपमेंट का 20% हिस्सा घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया की सरकार पाम ऑयल से जुड़ी किल्लत को देखते हुए इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बारे में सोच रही है। भारत अपनी खाद्य तेल की कुल ज़रूरत का 60% दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है। वहीं कुल इम्पोर्टेड खाद्य तेल में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 60% है। भारत बड़े पैमाने पर इंडोनेशिया से तेल इम्पोर्ट करता है। ऐसे में इंडोनेशिया में पाम ऑयल की किल्लत का असर घरेलू बाजार में जल्द देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।